सिटी थाना अंतर्गत आने वाले जेतपुरा फंटा स्थित खाद वितरण केंद्र पर एक व्यक्ति ने सेल्समैन पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। बचाव के दौरान सेल्समैन के हाथ में चोट आई है। बताया जा रहा है कि अज्ञात व्यक्ति खाद लेने के बहाने केंद्र पर पहुंचा था। इसी दौरान सरकार की खामियां बताते हुए सेल्समैन पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद SDM सहित पुलिस प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और पुलिस द्वारा व्यक्ति को गिरफ्तार कर थाने लाया गया है, जहां FIR दर्ज की गई है। साथ ही तलाशी के दौरान व्यक्ति के पास किसान संबंधित कोई दस्तावेज नहीं मिले और जेब में मात्र 90 रुपए पाए गए हैं। खाद वितरण सेल्समैन मनीष नागौरी ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को खाद वितरण किया जा रहा था, उसी समय पीछे से एक व्यक्ति शराब के नशे में आया और सीधा चाकू से मेरे गले पर हमला किया, जिस पर मेरे द्वारा बचाव का प्रयास किया तो मेरे हाथ की उंगली में चोट आई है। उक्त मामले में तहसीलदार विवेक गुप्ता ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही SDM सहित पुलिस प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और पप्पू पिता छोगालाल बांछड़ा निवासी नीलकंठपुरा, जो खाद लेने के बहाने आया और सीधा सेल्समैन पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने पप्पू को गिरफ्तार किया तो उसके पास खाद लेने के लिए कोई भी दस्तावेज नहीं थे। इसके अतिरिक्त उसकी जेब में भी 90 रुपए मिले। फिलहाल उक्त मामले में आगे की कार्यवाही की जा रही है। जिन्हें खाद की आवश्यकता थी लाइन पे लगाकर खाद ले रहे थे, बड़े शांतिपूर्वक सब वितरण चल रहा था। उसी समय एक व्यक्ति जिसका नाम पप्पू बाछड़ा है, पता चला कि वो नीलकंठपुरा पास में गाँव है, वहाँ का रहने वाला है ना, वो कृषक है और न ही वो खाद लेने आया हुआ था, क्योंकि बाद में जब पुलिस ने उसे अरेस्ट किया तो उसके पास कुल 90 रुपए मिले। एक किसान के रूप में एक व्यक्ति आया, नशे की हालत में दूध था वो आया और एकदम से आके मेरे गर्दन पे उसने चाकू से वार किया। चाकू से वार कर जैसे ही उसने बोला कि चाकू, गाली गलौज करने लगा, चाकू से वार किया, मैंने अपना हाथ बीच में लिया और मेरा हाथ पे ये चाकू का फरार, तो ये यहाँ पे मेरी उंगली कट गई और इसमें भी हल्की सी चोट है, उसको चेकअप कराना पड़ा।